रायसेन से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। खूनी संघर्ष रायसेन में, 2 की मौत, 3 घायल, घायलों का चल रहा है इलाज। पूरे परिवार ने फतरा बिछा रहे हैं। बंदूक मार रहे हैं। बंदूक मार रहे हैं। मेरा भैया खत्म हो गया है। मैं मर गया। मेरा बेटा। मेरे भैया के बुला लो। पैसा ले चले चले। रायसेन जिला मुख्यालय के समीप ग्राम पठारी में आज सुबह 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई और एक की इलाज के दौरान भोपाल में मौत हो गई। अन्य 3 लोग घायल हुए। घायलों को भोपाल रेफर किया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। सुबह 10 बजे से चल रहे हंगामे के बाद SP मोनिका शुक्ला ने कोतवाली TI जगदीश सिंह सिद्धू को लाइन हाजिर किया, तब कहीं जाकर हंगामा खत्म हुआ। ग्राम पठारी में रघुवीर यादव और अर्जुन यादव परिवार में जमीनी विवाद को लेकर काफी दिनों से झगड़ा चला आ रहा था। बताया जा रहा था कि रघुवीर यादव भू माफिया है और बड़े स्तर पर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। आज सुबह ही दोनों परिवारों में किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई, जो खूनी संघर्ष में बदल गई। लाठी डंडे सहित लाइसेंसी बंदूकों का जमकर उपयोग किया गया, जिसमें 2 युवक की मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को भोपाल रेफर किया गया। सुबह से ही जिला अस्पताल में चलता रहा हंगामा। मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने विदिशा मार्ग पर चक्का जाम किया। पुलिस और प्रशासन को भारी मशक्कत करनी पड़ी। पीड़ित पक्ष के लोग पुलिस और आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते रहे और कोतवाली TI को हटाने की मांग करते रहे। TI के हटने के बाद ही मामला शांत हुआ और कोतवाली पुलिस ने 8 लोगों पर हत्या सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। इस मामले की जांच का जिम्मा रायसेन SDOP को सौंपा गया है। ग्राम पठारी में जितने भी शस्त्र लाइसेंस हैं, उनके निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। रायसेन से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। जी, उसमें 2 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है और 3 लोग अन्य घायल हुए हैं। इस प्रकरण में 8 लोगों के खिलाफ FIR हुई है नामजद। हमने इसमें से कुछ लोगों को अभी पकड़ लिया है, बाकी को पकड़ने के लिए हमने टीम भेजी गई है। ग्राम पठारी में जितने लोगों के पास शस्त्र के लाइसेंस है, उसमें हमारी तरफ से निरस्तीकरण हेतु प्रतिवेदन जिलाधीश कार्यालय भेजा जा रहा है। विदिशा से हमारे संवाददाता राम बाबू की रिपोर्ट। नई गाइडलाइन को लेकर मूर्तिकार परेशान। 10 तारीख से शुरू होगा गणेश उत्सव। मूर्तियां बनाने वालों ने कहा, पिछले साल में हुआ लाखों का नुकसान और मूर्तियों पर प्रतिबंध लगाने की चल रही है मांग। प्रशासन ने कहा, 2 महीने पहले मूर्तिकारों को 4 फीट तक प्रतिमा बनाने की दी थी अनुमति। आगामी 10 सितंबर से गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है। इसके करीब 1 से 2 महीने पहले ही मूर्तिकारों ने भगवान गणेश की प्रतिमा का निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। कई मूर्तिकारों का कहना है, पिछले साल कोरोना गाइडलाइन और व्यापक असर के चलते गणेश उत्सव फीका रहा था। सार्वजनिक गणेश नहीं बैठाए गए थे, जिसके चलते सभी मूर्तिकारों को नुकसान हुआ था। मूर्तिकारों ने यह भी बताया कि ब्याज पर पैसा उठाकर मूर्ति निर्माण करते हैं, लेकिन जब मूर्तियों की बिक्री नहीं होती है तो उन्हें दोबारा नुकसान होता है, दोहरा नुकसान होना पड़ता है और कई बार कई जगह पर सार्वजनिक गणेश मनाने पर